गाना देखा, दो गाने बकायदा मैंने इस मूवी में किए हैं, एक पार्टी सॉन्ग है और एक और पार्टी सॉन्ग है जो बट एक आइटम की तरह पेश किया गया है आपके सामने। उसमें मेरा मूव्स वगैरह ये सभी लोगों को पता है कि आई हैव डन लॉट ऑफ आइटम नंबर्स, बट हिंदी में ये बहुत हाइप होगा बिकॉज द मूवी का जो नाम है व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा वो इतना हाइप हो चुका है बिकॉज इट्स अ समथिंग रिलेटेड, इट्स वेरी नाइस टू स्पीक एंड हियर अबाउट इट। सो आई एम श्योर दैट पीपल विल बी मोर एक्साइटेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी एंड दिस सॉन्ग बिकॉज ये मेरी हिंदी की फर्स्ट सेकेंड मूवी होगी, फर्स्ट जो इतनी खास नहीं थी, बट दिस इज गोना बी अ फुल फ्लेश्ड वन, सो आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट इट। अब सारे एक्सपेक्टेशन इसी फिल्म से है, अब इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट, मतलब बॉलीवुड में इसी से ही एंट्री है तो बहुत सारी होते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा होप्स हैं सर कि सेकंड फिल्म है और मेन एज अ मेन लीड है तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इन कंधों पे और बहुत मेहनत लगती है सर एक फिल्म बनाने में, तो हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी है, पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो बस यही चाहते हैं कि दुआ करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छा करे। और जैसे सबने बोला कि व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा इससे कॉमेडी फिल्म, और आजकल कॉमेडी फिल्में बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं, बहुत बहुत कम आ रही है। अब मैं नेक्स्ट मूवी कर रही हूँ जो कि मैं
ऑलरेडी साइन कर चुकी हूँ और हमने मुहूर्त भी उसका किया है अलीगढ़ में. सो इट इज़ बेस्ड ऑन अपराजिता करके मूवी का द टाइटल इज अपराजिता एंड आई एम प्लेइंग द मेन लीड इन दैट मूवी. सो वेरी सून आई विल बी ऑन फ्लोर एंड उसको अपडेट्स आपको मैं बाद में दूंगी नेक्स्ट टाइम जब हम मुहूर्त पे और शूटिंग पे मिलेंगे. एक्चुअली मेरा नाम अमन ओसामा है और जिससे मेरे को मोहब्बत होती है उनका नाम है मैगी ओबामा. तो मैं मुस्लिम हूँ और वो क्रिश्चियन है. तो मेन मैसेज मूवी में यही है कि मोहब्बत में कोई जात धर्म कुछ नहीं होता है. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती है कि यार लड़का मुस्लिम है और इसका सरनेम ओसामा है. तो पहले तो जब मेरी इनसे डैड से मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं कि आपका सरनेम क्या है, नाम ही बताने में हिचकिचा रहा होता हूँ कि यार अगर मैंने नाम बता दिया मेरा नाम अमन ओसामा है तो क्या रिएक्ट करेंगे. लड़की तो हाथ से जाएगी जाएगी, मार भी पड़ेगी. सो बहुत ज़्यादा सिचुएशनल कॉमेडी है कि कैसे छोटी छोटी जो सिचुएशंस मूवीज में आती हैं कि सिर्फ नाम की वजह से. तो प्यार करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? अरे सर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं. पहले तो मेरा शहर छूट गया जी. और दूसरा कि मेरा एक मेरे जो मूवी में मेरा कैरेक्टर है वो है शायर का, इंस्टेंट शायरी. कि कोई भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है तो मैं वैसे चुटकियों में शायरी बना देता हूँ. जैसे अभी ट्रेलर में देखा, जो ट्रेलर शुरुआत होती है ट्रेलर की, कि शाहजहाँ के शहर में मोहब्बत करने को तरसता है आज का यूथ. अब तेरे भाई ने एक जगह खोली है जिसे कहते हैं किसिंग बुथ. तो मैं इस मूवी में किसिंग बुथ चला रहा हूँ. तो अब सोचो कि एक लड़का किसिंग बुथ चला रहा है और पापड़ तो कितने बेलने पड़ेंगे. उसे मनाना पड़ेगा कि मैं नहीं करता हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, पेट पालने के लिए. ऑन स्क्रीन किस वॉज लाइक नॉट दैट कम्फर्टेबल बट या हिना जी आपको मतलब ब्रीफ किया गया था. अरे बोल ले देना. आइटम सॉन्ग डांस के लिए आपने अपना आईपैड डाला था. आप वापस पूछिए. ये जो आइटम सॉन्ग गाना था आपको ब्रीफ किया गया था या अपने इफर्ट से अपना डाला था डांस? कोरियोग्राफर ने आपको ब्रीफ किया था? ऑब्वियसली हमारे कोरियोग्राफर थे खुशल जी हैं जिन्होंने मेरा ये फोर्थ गाना कोरियोग्राफ किया है ओवरऑल इंडस्ट्रीज में. सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर और एंड आई बिकॉज वी हैव बीन गुड रिलेशन एज अ फ्रेंड्स एंड ऑल. सो मेरा ट्यूनिंग एज अ कोरियोग्राफी बहुत अच्छे से बैठ चुका था. इतना टाइम नहीं लगा हमें पिकअप करने में या कुछ भी करने में. सो इट आई गिव ऑल माई क्रेडिट ऑफ माई डांसिंग इज टू खुशल. जरूरी है वो बताना सारे सवाल अभी. हाँ वही तो है मेरा कैरेक्टर मैं नहीं रिवील कर सकती, वो आपको जाकर देखना ही पड़ेगा. थैंक यू थैंक यू. प्लीज प्लीज आप सभी लोग व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा देखने जाइए बिकॉज एंड प्लीज आपके ब्लेसिंग शावर्स इज वे इम्पोर्टेंट फॉर दिस मूवी. सो आई वुड वॉन्ट यू टू गो. और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ट्विस्ट टर्न्स, लव, रोमांस, कॉमेडी सब मिक्स है एंड स्पेशल परफॉर्मेंस बाय मी. एक्शन भी है एक्शन भी और मैंने भी एक्शन किया. तो मेरी कॉमेडी और जो मेरी चीजें अंदर वो जानने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा. सो प्लीज 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 20 जुलाई को रिलीज हो रही है तो अरे